राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। विधायक जी, आज जो शव यात्रा निकाली गई है, इसका मकसद क्या था? देखिए, पंजाब में जो घटना हुई, माने प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां आतंकवादी हमला कराने की जो साजिश रची है, और उनके मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है, वो कह रहे किसानों में गुस्सा था, वो किसान नहीं थे। जो लाल किले पर जो प्लानिंग थी इनकी कि वहाँ गोली चले और वहाँ एक घटना 84 जैसी हो जाए, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रयास किया गाड़ी को जो पलटने का जो मामला था, और उसमें पूरा का पूरा खालिस्तान की टी शर्ट पहने हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में रैली में जा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो कांड कराया है, ये सीधे तौर पर सोनिया गांधी के बिना नहीं हो सकता, और इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ होगा। सोनिया गांधी ने पहले भी महान किसान नेता राजेश पायलट और देश के बड़े नेता माधवराव सिंधिया की भी हत्या कराई है, उसकी जांच नहीं करने दी, और ऐसे ही कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या अपनी पार्टी के और दूसरे लोगों की कराई गई है। तो ये ISI के एजेंट हैं, इसलिए जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश भी, और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उससे खराब घटना आज तक आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नहीं हुई कि किसी प्रधानमंत्री पर इस तरह से हमला हो और उनकी सुरक्षा को इस तरह से खतरे में डाल दिया हो। भगवान महादेव की कृपा नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं होते और ये देश जल जाता। माननीय प्रधानमंत्री को बच्चा बच्चा जानता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है, नेताओं ने अपील की है, और नहीं तो इनको घर में घुस करके कांग्रेसियों को मारने का काम करेंगे। मेरी आपके माध्यम से मांग है, और हजारों लोग जो आए हैं, पूरी लौनी की जनता जो सड़कें पर है, सबकी मांग है कि कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसकी पूरी जांच हो, और जांच होने के बाद मेरा निश्चित रूप से कहना है कि इसमें सोनिया गांधी होंगी और चन्नी होंगे, जिस जो भी साजिश में शामिल हैं और जो आतंकवादी संगठन शामिल हैं, उन सबको फांसी की सजा हो, कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। इस पार्टी ने उस देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये धारा 370 का विरोध करते हैं, ये हर टाइम जो टुकड़े टुकड़े भारत के करने की बात करते हैं उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो इतने बुरी तरह राष्ट्रद्रोह में लिप्त हैं कि उनकी भाषा को देख करके पूरा देश गुस्से में है। इसलिए ये पार्टी अब देश में रहने लायक नहीं बची है। जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पार्टी समाप्त हो जानी चाहिए, ये समाप्त नहीं है। इसकी मान्यता समाप्त करके इनके नेताओं पे, जिनका भी हाथ माने प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने में, सबको उनके मुकदमा चले, उनको फांसी की सजा हो। सर, एक तरफ आपका रोष है, जो आप गुस्सा है वो जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ये जो इतना बड़ा समूह आप लेकर चले हैं, कई लोगों के पास राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। विधायक जी, आज जो शव यात्रा निकाली गई है, इसका मकसद क्या था? देखिए, पंजाब में जो घटना हुई, माने प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां आतंकवादी हमला कराने की जो साजिश रची है, और उनके मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है, वो कह रहे किसानों में गुस्सा था, वो किसान नहीं थे। जो लाल किले पर जो प्लानिंग थी इनकी कि वहाँ गोली चले और वहाँ एक घटना 84 जैसी हो जाए, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रयास किया गाड़ी को जो पलटने का जो मामला था, और उसमें पूरा का पूरा खालिस्तान की टी शर्ट पहने हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में रैली में जा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो कांड कराया है, ये सीधे तौर पर सोनिया गांधी के बिना नहीं हो सकता, और इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ होगा। सोनिया गांधी ने पहले भी महान किसान नेता राजेश पायलट और देश के बड़े नेता माधवराव सिंधिया की भी हत्या कराई है, उसकी जांच नहीं करने दी, और ऐसे ही कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या अपनी पार्टी के और दूसरे लोगों की कराई गई है। तो ये ISI के एजेंट हैं, इसलिए जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश भी, और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उससे खराब घटना आज तक आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नहीं हुई कि किसी प्रधानमंत्री पर इस तरह से हमला हो और उनकी सुरक्षा को इस तरह से खतरे में डाल दिया हो। भगवान महादेव की कृपा नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं होते और ये देश जल जाता। माननीय प्रधानमंत्री को बच्चा बच्चा जानता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है, नेताओं ने अपील की है, और नहीं तो इनको घर में घुस करके कांग्रेसियों को मारने का काम करेंगे। मेरी आपके माध्यम से मांग है, और हजारों लोग जो आए हैं,
पूरी लौनी की जनता जो सड़कें पर है सबकी मांग है कि कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसकी पूरी जांच हो। और जांच होने के बाद मेरा निश्चित रूप से कहना है कि इसमें सोनिया गांधी होंगी और चन्नी होंगे, जिस जो भी साजिश में शामिल हैं और जो आतंकवादी संगठन शामिल हैं उन सबको फांसी की सजा हो, कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। इस पार्टी ने उस देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये धारा 370 का विरोध करते हैं, ये हर टाइम जो टुकड़े टुकड़े भारत के करने की बात करते हैं उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो इतने बुरी तरह राष्ट्रद्रोह में लिप्त हैं कि उनकी भाषा को देख करके पूरा देश गुस्से में है। इसलिए ये पार्टी अब देश में रहने लायक नहीं बची है। जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पार्टी समाप्त हो जानी चाहिए, ये समाप्त नहीं है। इसकी मान्यता समाप्त करके इनके नेताओं पर जिनका भी हाथ माने प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने में, सबको उनके मुकदमा चले, उनको फांसी की सजा हो। सर एक तरफ आपका रोष है, जो आप गुस्सा है वो जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ये जो इतना बड़ा समूह आप लेकर चले हैं, कई लोगों के पास मास्क भी नहीं है, लोगों की जिंदगी को खतरा नहीं होगा? आप देख रहे हैं सबके पास मास्क है, मैंने भी अभी हटाया आपसे बात करने के लिए। लौनी के लोग पूरे कानून को लेकर के चलने वाले लोग हैं, इसलिए ये गुस्सा है लोगों का। और लौनी के अंदर तो कोरोना का पहले भी कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन गुस्सा है लोगों का।